हेलो फ्रेंड्स, सो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्स्ट बॉक्स और क्विक पार्ट। टेक्स्ट बॉक्स हम कोई भी बॉक्स हो क्रिएट करना चाहें या जिसमें आप टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन में आपको बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएंगे, जो आपको ठीक लगे, जो आपके काम के मुताबिक हो वो ही आप सिलेक्ट करेंगे। मैं डेमो के तौर पर आपको एक सिलेक्ट करके उसको थोड़ा बहुत एडिट करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ से ये वाला चूज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स हमारे सामने बन के आ चुका है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। अब आप टेक्स्ट इसका चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, और शेप फॉर्मेट टैब पे क्लिक करके इसकी डिजाइनिंग वगैरह चेंज करनी हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं पीछे वाले को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से उसकी डिजाइनिंग चेंज करता हूँ। तो एक्सबॉक्स का स्टाइल वगैरह चेंज करना है या टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या टेक्स्ट बॉक्स का, तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे से हमारा कलर वगैरह चेंज हो रहा है, तो जो आपको ठीक लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको खाली रहने देता हूँ। उसके बाद शेप फिल, शेप फिल में देखते हैं वही सेम तरह हम कलरफुल कर सकते हैं। उसके बाद शेप की जो आउटलाइन है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रही होगी जो हमारी आउटलाइन है वो रेड हो चुकी है, और यहाँ से हम इसको शेड वगैरह दे सकते हैं। तो हम थोड़ा इसको शेड दे देते हैं। पीछे से आप देख सकते हैं हमें शेड दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर आप टेक्स्ट को स्टाइल देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जैसे आपको आसानी से दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट का जो स्टाइल था वो भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम उसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट की शेडो, तो टेक्स्ट को भी आप शेडो देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये था हमारा इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है क्विक पार्ट का। क्विक पार्ट में हमारा क्या होता है, ऑटो टेक्स्ट आ जाता है। जैसे हम ऑटो टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर योर टेक्स्ट है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको चेंज करके आईटी तो ये था हमारा क्विक पार्ट में ऑटो टेक्स्ट जनरेट।